बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों बड़ों के पसंदीदा बन रहे हैं लोडेड चिकन सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग। मैं कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह ताला सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हैं। तो भाई, बड़ी फरमाइशें आ रही थी कि मैंने सैंडविच और स्नैक्स वगैरह बनाने क्यों छोड़ दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आज देखिए मैं आपके लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। तो ये बच्चों बड़ों सबकी बहुत पसंदीदा और स्पेशली चीज़ी लवर के लिए ना, तो आज मैंने लोडेड चिकन सैंडविच बनाए हैं। होपफुली कि ये आपको पसंद आएंगे, ज़रूर इनको ट्राई करके देखिएगा। बस चलिए चल के देखते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। चलिए जी, देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल हैं जिसमें टमाटर है, इसके अंदर का पीस निकाल के बाकी मैंने स्लाइस बना लिए हैं जूलियन कट में। अच्छा, इसके अलावा प्याज है मेरे पास, ऑलिव्स हैं और कैप्सिकम लिया है मैंने। अच्छा, चिकन का मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, उसमें मैंने सिंपली जो है टिक्का मसाला लगा के और इसको जो है मैंने बना लिया था, ठीक है। इसका लिंक मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसके अलावा मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, चीज़ स्लाइस हैं। एक ही मैं सॉस बनाती हूँ जो स्पेशली होता है, ये भी मैं किसी वक्त इसकी तरकीब जो है डाल दूंगी रेसिपी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास ब्रेड है जिसे हम बनाएंगे, और मेयोनीज़ है। चलिए बस चल के चलते हैं काउंटर पर, देखते हैं कैसे बन रहे हैं। चलिए देखिए, हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अच्छा, ये साइड्स आपकी मर्ज़ी है, आप निकालना चाहें तो निकाल दें और नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ के मैं निकालूंगी और कुछ के ऐसे ही बनाऊंगी। बस उसके बाद निकालने के बाद हम इसके ऊपर जो है लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, और फिर जो है हम इस पर जो मैंने सॉस बनाया है वो डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं चिकन को लगाएंगे, और फिर हम वेजिटेबल को स्प्रिंकलिंग करेंगे जो भी हैं हमारे पास। फिर जो है दूसरे स्लाइस पर हमने मेयोनीज़ लगाना है, और उसके बाद इसको हमने बंद कर देना है। फिर अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। गला जी बड़ा ख़राब हो रहा है। चलें जी, खैर बहरहाल हमने इसको देखिए बंद कर दिया। इसके ऊपर हम दोबारा से लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ स्लाइस को, फिर हम इसमें प्याज और ऑलिव्स को लगा देंगे। और उसके बाद मैंने जो है फ्राई पैन को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब इसको हम इसमें फ्राई पैन में रखेंगे और ऊपर से हम इसको लिड लगा देंगे, ठीक है। हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर जो है हमारा ये सैंडविच जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। बस फिर मैं आपको निकाल के इसको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये आई है इसकी लुक। चलें जी, अब मैं और दो तीन और बना लूँ, फिर मैं आपको फाइनली लुक के साथ मिलती हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे लोडेड चिकन सैंडविच की फाइनली लुक आपके सामने आ गई है। आप इसको खाएंगे तो ये आपको पिज़्ज़े से कम नहीं लगेगा, बल्कि जैसे हम लोडेड पिज़्ज़ा खाते हैं सेम इसका टेस्ट तकरीबन वैसा ही आएगा, ठीक है। तो होपफुली कि ये सैंडविच आपको ज़रूर पसंद आएंगे, बच्चों को तो बेइंतहा पसंद आएंगे, और स्पेशली जो चीज़ी लवर है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर देना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। चलते चलते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से पहले आपको मिल जाए। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और धमाकेदार ज़बरदस्त से कंटेंट में जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।